अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नौरीन कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जनरेशन नर्सेस। सबसे पहले मैं आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, मुझे सब्सक्राइब किया और आगे लोगों तक फॉरवर्ड किया। और बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पर्सनल भी कमेंट्स रिसीव हुए, मुझे यूट्यूब चैनल पे भी बिलो कमेंट्स रिसीव हुए कि आज के बाद अब जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ वो CGFNS पे थोड़ा सा डिटेल में व्यू दे दूँ। तो जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं नर्सेस के लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाली है और आज मैं CGFNS पे डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि समटाइम्स क्वेरीज जो है वो इसी वीडियो में डिटेल में बताई जाती है लेकिन फिर व्यूअर्स देखते नहीं है, जिसकी वजह से वो मुझे बार बार रिप्लाई करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि CGFNS क्या होता है, CGFNS के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ हमारे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, और फिर हमें कौन सी CGFNS की सर्विस अपने क्रेडेंशियल को इवेलुएट करने के लिए चूज करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन पॉलिसी क्या है CGFNS की, और उनकी डिफरेंट फीस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं CGFNS क्या होता है। हम अक्सर औकात जब भी एनक्लिक्स की बात करते हैं तो CGFNS के बारे में सुनते हैं। तो CGFNS का फुल फॉर्म है कमीशन ऑन ग्रेजुएट फॉरेन नर्सिंग स्कूल। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे डिग्रीज हैं, हमारे जो भी लाइसेंसेस हम अपने स्कूल ऑफ नर्सिंग से लेते हैं, तो वो उनको वैलिडेट करने में मदद करती, हमारे क्रेडेंशियल्स को इवेलुएट करने में मदद करती है अकॉर्डिंग टू द US स्टैंडर्ड। तो उसमें वो बेसिकली क्या करती है, वो जो है वो हमें हेल्प करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें जब भी माइग्रेट करना है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, हमें अगर पाकिस्तान से या UAE से अगर हमें माइग्रेट करके USA में काम करना है, तो वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे क्रेडेंशियल्स को इवेलुएट करने में हमें मदद करती है, जो कि एथिकली वो हमें एडवोकेट करती है बाय एथिकली कि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो हमारी हायरिंग हो रही है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हो रही है। तो ये मेन उसका रोल होता है जिसकी वजह से वो हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो हमें चूज करना है कि हमें किस सर्विस को चूज करना है अकॉर्डिंगली वो अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे कि CGFNS कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि जब हमें सर्विसेज के बारे में पता होगा तो ही हम आगे बात कर पाएंगे कि हमें किस तरह उनकी सर्विसेज को चूज करना है। तो हम बात करते हैं CGFNS कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर USA में काम करने के लिए, तो यहाँ पढ़ने के लिए। तो हम बात करते हैं CES फर्स्ट, उसकी जो सर्विसेज होती है वो CES होती है, फिर सेकंड वो जो है वो CVS रिपोर्ट है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम CP रिपोर्ट की, एंड उसके बाद वीज़ा स्क्रीनिंग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CES रिपोर्ट। CES रिपोर्ट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, वन इज प्रोफेशनल एंड वन इज एकेडमिक। अगर तो आप एनक्लेक्स में बैठने के लिए परमिशन की वजह से आप CES के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी प्रोफेशनल रिपोर्ट होगी, क्योंकि आप वो लाइसेंस ले रहे हैं US का, आप वहां काम करना चाहते हैं, इसके लिए आप CES प्रोफेशनल का इंतखाब करेंगे। लेकिन अगर आप अपने US में फर्दर स्टडीज के लिए अपनी CES रिपोर्ट को इवेलुएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप एकेडमिक का इंतखाब करेंगे, क्योंकि आप फर्दर और हायर स्टडीज को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं CP रिपोर्ट। CP रिपोर्ट एक्चुअली बेस करती है कि अगर आपने ऑलरेडी पहले कभी CGFNS का एग्जाम दिया हो और आप उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया हो, तो आपको CGFNS सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेट देती है। तो अगर इनकेस आपने एनक्लेक्स ना भी किया हो और अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट बेस पे जाना चाहते हैं US, तो तब भी वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बेस पे आप अपनी वीज़ा स्क्रीनिंग के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात हाईलाइट कर दूं कि आप अगर US में काम करना चाहते हैं एज अ RN, तब आपको एनक्लेक्स के अलावा कोई और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको एनक्लेक्स का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो तब तो आपको ये CP सर्टिफिकेट काम आ जाएगा, उसके बेसिस पे आप वहाँ चले जाएंगे। लेकिन आपको अगर वहाँ पे एज ए RN काम करना है तो आपको एनक्लेक्स का सर्टिफिकेट, एनक्लेक्स का लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। तो ये सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है CP सर्टिफिकेशन। 2/3 ऑफ द बोर्ड हमारे जो है वो CES की जगह CP रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट CGFNS पास कर चुका होता है, उसकी इंग्लिश वेरिफिकेशन हो चुकी होती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो सर्टिफिकेशन आपकी जो जितने भी डिग्रीज वगैरह होते हैं वो वेरीफाई हो चुके होते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पे CES की जगह CP को भी एक्सेप्ट करके आपको एनक्लेक्स में बैठने की इजाज़त दे देते हैं।
तो ये तो हमारी बात हो गई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की और सीईएस रिपोर्ट की। अब हम बात करते हैं सीवीएस रिपोर्ट की। सीवीएस रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूयॉर्क बोर्ड एक्सेप्ट करता है। अगर आप वहां पर काम करना चाहते हैं या वहां पे आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपको सीवीएस रिपोर्ट चूज करना होगा। और उसका भी मेन पर्पस यही होता है कि वो आपका डिटेल एनालिसिस करता है, आपके स्किल्स, आपकी थ्योरी, आपका क्लिनिकल और आपका एम्प्लॉयमेंट, उन सब के बेसिस पे वो आपको एक सीवीएस रिपोर्ट क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्विसेज के नाम से आपको रिपोर्ट जनरेट करता है, आपको इशू करता है, जिसमें आप अगर न्यूयॉर्क में पढ़ना चाह रहे हैं या स्टडी करना जॉब करना चाह रहे हैं तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सीवीएस रिपोर्ट न्यूजीलैंड के लिए भी यूज की जाती है। अगर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा और राइटन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये मालूम हो कि अगर आपको कभी फ्यूचर में न्यूजीलैंड की तरफ मूव करना है तो आपको ये सीवीएस रिपोर्ट न्यूजीलैंड में भी काम आ सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड का कॉन्टैक्ट भी जो है वो सीजीएफएनएस के साथ रहता है। तो सीजीएफएनएस से आपको न्यूजीलैंड के लिए भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं तब भी ये सीवीएस रिपोर्ट आपको काम आ सकती है। सेकेंडली हम बात कर रहे थे हमारी सीएस रिपोर्ट की कि वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहती है। तो अभी सीजीएफएनएस के साथ जो है वो कनाडा में हम अपने एनएनएस की बात करते हैं जो एक्चुअली आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है वो भी सीजीएफएनएस की मदद से करती है, लेकिन इसमें हम खुद से अप्लाई नहीं करते, उनका कॉन्टैक्ट एनएनएस के साथ होता है। तो बहरहाल हम इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको सिर्फ एलैबोरेट कर रही थी कि सीजीएफएनएस जो है वो आपके क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन को कनाडा के लिए भी जो है वो इवैल्यूएट करता है, न्यूजीलैंड के लिए भी इवैल्यूएट करता है, और आगे जाके ऐसा सुना गया है इट्स नॉट कंफर्म्ड येट कि वो ऑस्ट्रेलिया भी सीजीएफएनएस को जो है वो इवैल्यूएट करने के लिए आगे फर्दर अप्रोच करने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अब तक सिर्फ सुना है, लेकिन जो कंफर्म्ड है वो है न्यूजीलैंड और कनाडा से जो है वो एनएनएस की बॉडी सीजीएफएनएस को अप्रोच करती है और यूनाइटेड स्टेट्स का अपना मुल्क ये सीजीएफएनएस की रिपोर्ट्स को जो है वो एक्सेप्ट करता है। फिर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स की क्या क्या फीस होती है। अगर हम बात करते हैं सीईएस की एकेडमिक और प्रोफेशनल की तो मोर और लेस उनकी फीस सेम ही होती है। लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहे हैं सीईएस के लिए तो आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है वो $450 की होती है, चाहे वो आप अकेडमिक में करवा लें चाहे वो आप प्रोफेशनल में करवा लें, $450 होती है। लेकिन उसका टाइम लिमिट क्या होता है कि आपने जब भी देखा होगा कि जब आप सीईएस रिपोर्ट अकेडमिक या फिर आप जब भी आप प्रोफेशनल करते हैं तो दोनों का टाइम लिमिट 10-12 बिजनेस वीक्स होता है। इवन सीवीएस रिपोर्ट भी है तो उनका टाइम रहता है 10-12 बिजनेस वीक्स। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने पोर्टल के अंदर आपके अकाउंट में डॉक्यूमेंट के आगे देखें कि वो रिसीव्ड हो गया है तो उसके बाद से 10-12 बिजनेस वीक्स, नॉट कि आपने कब से अकाउंट जो है वो ओपन किया है उसके बाद से नहीं, जब सीजीएफएनएस आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेता है उसके बाद से 10-12 बिजनेस वीक्स। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि 10-12 बिजनेस वीक्स का मतलब है आप उनके हॉलीडेज उसमें काउंट नहीं कर सकते, आप उसमें जो नॉर्मल जो है वो हमारे वीकेंड्स होते हैं उसको काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ बिजनेस डेज मीन्स जो उनके वर्किंग डेज है वो 10-12 बिजनेस वीक्स। तो इसका मतलब है कि 6-8 मंथ्स का अरसा लग ही जाता है। तो उसमें कम से समटाइम्स लोग बहुत बेजार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो एक्सपेडाइट का प्रोसेस करना चाहते हैं कि ताकि वो एक्सपेडाइट कर लें तो 10 बिजनेस डेज में उनकी रिपोर्ट जो है वो रेडी हो जाए, वो भी आफ्टर रिसीव। तो जब आप एक्सपेडाइट करते हैं तो वो आपको 10 बिजनेस डेज के अंदर आपकी रिपोर्ट आपको पहुंचा देता है या आप रिसीव कर लेते हो अपनी रिपोर्ट, तो उसकी फर्दर फीस एक्सपेडाइट की होती है $400। तो अब बात यह है कि कुछ लोग जब आप एक्सपेडाइट का प्रोसेस करते हैं तो कुछ लोग इस बात की क्वेरी शेयर करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए या हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा होता है कि जब आप अपने नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाते हो ना तो आपका टाइम वैसे भी 10-12 बिजनेस वीक्स का होता है, वो आपको नहीं बताते, आपकी फाइल रिव्यू नहीं करते हैं जल्दी से, तो वो बहुत लेटर स्टेजेस में जाके आपको बताते हैं अगर आप नॉर्मल प्रोसेस रखते हैं। तो जब आप एक्सपेडाइट करते हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मतलब अगर उनको आपके स्कूल से कोई क्वेरी है, कोई क्लिनिकल आवर है, कोई थ्योरी आवर है, उसमें उनको कोई क्वेरी है कि आपने जो है वो स्कूल ने डिटेल में जो है आपका फॉर्म फिल नहीं किया है, तो फिर वो आपके स्कूल को एडिशनल इंक्वायरी भेजते हैं। वो भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या एडिशनल क्वेरी है जो स्कूल वालों को भेजी गई, तो आप अपने पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन आता है माई मैसेजेस, उसमें जाके आप करेस्पॉन्डेंस में देखें तो डेफिनेटली सीजीएफएनएस उसमें एक्सप्लेन करता है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, अगर आपको वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है। अब अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग के अंदर या हमारे पीएनसी के अंदर वो लोग एक ईमेल भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उनका कोई सिस्टम होता है उसके थ्रू वो एक ईमेल भेजते हैं और उसमें वो लोग लिखते हैं अपना मैटर कि उनको क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि उनके जो है वो इतने इनबॉक्स उनका इतना फुल होता है कि समटाइम्स उनको
उनको मैसेजेस रिसीव नहीं होते हैं कि भाई आपके स्कूल ऑफ नर्सिंग से एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या मांगा गया, तो ऐसे में फिर आपको करेस्पॉन्डेंस ई मेल पर कीप ऑन चेक रखना होता है कि वॉट दे आर लुकिंग फॉर. Then you have to go to your school of nursing, ask them to check the email there and there, because if there is any query you have to fulfill, you have to fulfill. Otherwise, वो एक 60 days का time होता है, उसी में queries आपको resolve करनी, वरना आपकी report delay हो जाती है, क्योंकि हमारे school of nursing एक candidate के लिए keep on check नहीं रखते हैं. तो ये हम candidates का ही ये responsibility है कि हम अपने school of nursing में जाके personally इसको check करें. फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा रिजेक्शन की बात आती है. तो रिजेक्शन में समटाइम्स क्या होता है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स या हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग वाले जब डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अक्सर औकात हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड सेकेंडरी जब भी हम अपने सर्टिफिकेट वहाँ पे भिजवाते हैं IBCCA से अटेस्ट करने के बाद, तो क्या होता है कि उसमें अक्सर औकात वो लोग रिजेक्शन करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि सील ब्रेक हो गया. हो सकता है थ्रू कोरियर भेजा हो तो तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या स्टैम्प उनको क्लियर ना हो तो तब भी वो सील ब्रेक का जो है ऑप्शन लगाकर रिजेक्शन कर देते हैं. तो हमें मेक श्योर करना है जब भी हम कोरियर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें तो वो प्रॉपरली सील्ड होने चाहिए और फिर हम भेजें. और सेकेंडली हमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन फिल करने के वक्त या CGFNS से कोई भी क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन कराते वक्त, तो हमें सबसे पहले जो है वो अपना अकाउंट जनरेट करना है. और अकाउंट जनरेट करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप CGFNS की साइट पे गूगल जाइए, CGF.org लिखे, तो आपको वहाँ पे एक ट्यूटोरियल मिलता है जिसमें आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई. तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है या CGFNS की वेबसाइट पे कैसे जाना है. आपने सिंपली CGFNS.org लिखना है और फिर आपने देखना है उसमें लिखा हुआ आ जाएगा CGFNS login. आप वहां जाएंगे तो वो आपको पूरी डिटेल्स दे देगा कि आपको US के CGFNS के लिए जाना है या दूसरे कंट्रीज के CGFNS के लिए. तो आपने डेफिनेटली अगर US जाना है तो US पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको US की लाइसेंशियल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बोर्ड्स का एक ऑप्शन देगा और सारे बोर्ड्स नीचे आ रहे होंगे. तो आपने बोर्ड सिलेक्ट करना है, लेट सपोज अगर हम फ्लोरिडा बोर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप ऊपर लिखेंगे ऑप्शन में फ्लोरिडा बोर्ड. जब आप फ्लोरिडा बोर्ड लिखेंगे तो नीचे आपको फ्लोरिडा बोर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि फ्लोरिडा बोर्ड का अगर आपको एनक्लेक्स एग्जाम के लिए अगर क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन कराना है तो वो कौन सी रिपोर्ट मांगता है, CES मांगता है, CVS मांगता है या CP रिपोर्ट मांगता है. तो जैसे ही आप लिखेंगे तो नीचे आ जाए क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस प्रोफेशनल, तो आप फिर प्रोफेशनल को ही क्लिक करेंगे. अगर आप वहाँ स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप अकेडमिक चूज करेंगे हायर डिग्रीज के लिए. अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, एनक्लेक्स एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप प्रोफेशनल अप्लाई करेंगे. तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, आप जब ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, तो हम बात कर रहे थे CVS के भी फीस की, तो उनका भी सेम ही है कि अगर आप जब उनकी CVS की आप फर्स्ट टाइम इनिशियल रजिस्ट्रेशन करें तो 400 फीस है, और अगर आप उनको एक्सपेडाइट करा रहे हैं तो उसका भी जो है वो $450 उसकी फीस है. फिर उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हमेशा पूछते हैं कि जब भी उनको CES रिपोर्ट ऑलरेडी उनकी अगर रेडी होती है या तो वो एक्सपायर हो जाती है, उनको कोई दूसरे बोर्ड को भेजनी होती है, तो जब आप सर्विसेज परचेज करने जाते हैं शॉपिंग कार्ट के अंदर तो वो तीन ऑप्शंस दिखाता है, इनिशियल लाइसेंशियर सर्विस, रीऑर्डर सर्विस या री इवैल्यूएशन सर्विस. तो मैं यहाँ पे आपको ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर आपका इनिशियल आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले आपने कभी भी CS रिपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया या CVS रिपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आप इनिशियल सर्विस का ऑप्शन चूज करेंगे. लेकिन अगर आप जो है वो पहले CS रिपोर्ट के लिए अपना एप्लीकेशन जनरेट कर चुके थे और वो किसी भी रीजंस की वजह से आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि CGFNS की आपको एप्लीकेशन भी 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करनी होती है, वरना तो फिर आपको दोबारा रीऑर्डर करना पड़ता है, वो एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाती है और आपको रीऑर्डर करना पड़ता है. चूंकि आपकी CS रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई थी, वो एक्सपायर हो गई थी, किसी रीजन से आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो आप रीऑर्डर का ऑप्शन चूज करेंगे. लेकिन अगर आपकी CS रिपोर्ट ऑलरेडी पहले से जनरेट थी और अभी आप उसको किसी और बोर्ड को भेजना चाह रहे हैं या सेम बोर्ड को भेजना चाह रहे हैं, तो फिर आप री एवेल्युएशन का ऑर्डर देंगे कि आपको किसी बोर्ड को ये CS रिपोर्ट भेजनी है, तो वो आपको री एवेल्युएशन का ऑप्शन देंगे. और री एवेल्युएशन की जो फीस है वो भी अगर आप फीस में जाएंगे CGFNS के पोर्टल में तो 275 के आसपास उसकी फीस होती है, तो आप उसको जो है वो पे करके और जिस भी बोर्ड को आपको भेजना है आप वो भेज सकते हैं. अब उसमें बात आती है कि लोग बोलते हैं कि रीवैल्युएशन का क्या मतलब है, तो रीवैल्युएशन का मतलब ये होता है कि आपकी रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी है, मगर क्या होता है कि समटाइम्स हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे लेट सपोज मैंने 3 साल पहले CS रिपोर्ट जो है वो CGFNS से लिया, मैं किसी रीजंस की वजह से एनक्लेक्स पास नहीं कर पाई,
अब मुझे किसी और बोर्ड से करना है और या मैंने मुझे उसी बोर्ड को दोबारा सीएस रिपोर्ट देना है, तो मैं सीजीएफएनएस को रिक्वेस्ट करती हूँ रीवैल्यूएशन की। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे मेरा स्कूल ऑफ नर्सिंग का डिप्लोमा या मेरा बीएसएन का डिग्री, तो वो जो मेरी बीएसएन की डिग्री है और डिप्लोमा है उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, जबकि मेरे पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की एक्सपायरी डेट होती है, तो वो 5 साल में एक्सपायर हो जाता है। तो जो सीजीएफएनएस है वो ये चेक करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी जो है वो 6 मंथ से ज्यादा की होनी चाहिए। तो अगर वो 6 मंथ से कम किए तो वो आपको फिर से बोलेगा कि आप इसको जो है वो वेरीफाई करवा के हमें दोबारा से भेजिए। तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन का प्रोसेस करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं उनको दोबारा रिवैल्यूएट करता है और फिर आपको जहां इस डॉक्यूमेंट्स को भेजना है वो उसको वहां पे भेज देता है, जिस बोर्ड को भी भेजना है वो उनको रिसिपिएंट के तौर पे भेज देता है और एक कॉपी आपको भी मिल जाती है। अगर आप इसको जो है वो रीऑर्डर की बात करते हैं या फिर आप एडिशनल रिपोर्ट कोई ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया, आपने फ्लोरिडा बोर्ड लिया, लेकिन साथ साथ आप फ्लोरिडा बोर्ड के आप किसी और बोर्ड में भी भेजना चाहते, इलिनॉय बोर्ड में भी अपनी रिपोर्ट भेजना चाह रहे हैं साथ साथ, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया आप इस बोर्ड से जाओगे या इस बोर्ड से जाओगे, दो रिपोर्ट एक वक्त में मांग रहे हैं, तो फिर वो आपको एडिशनल $150 पे करने के लिए बोलते हैं। एक तो वो जो आपका मेन प्राइमरी बोर्ड है, दूसरा आपने जो चूज किया है उसके लिए आपको $150 पे करना है। फिर अगर आपकी रिपोर्ट आपसे कहीं गुम हो जाती है या आपको प्रॉब्लम होती है, आपको डुप्लीकेट रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको $100 की फीस पे करनी होती है। तो ये सारे फीस के स्ट्रक्चर्स है जो आप सीजीएफएनएस की पोर्टल पे भी जाएंगे तो आपको आराम से वहां पर भी मिल जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सीजीएफएनएस की जो एक सर्विस है वीजा स्क्रीन। लेकिन वीजा स्क्रीन जो है वो आपको इमिग्रेशन के प्रोसेस के टाइम पर चाहिए होता है, जिसके बारे में मैं आज डिटेल में बात नहीं करने वाली हूँ। ये हम तब ही बात करेंगे जब हम आगे चल के अपने टॉपिक्स में वीजा स्क्रीन के बारे में बात करेंगे, तब मैं इसको डिटेल में बात करूंगी। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्लैरिफाई करी थी क्योंकि ये भी सीजीएफएनएस की एक सर्विस होती है और उसका फायदा सिर्फ ये होता है कि जब आपकी सीएस रिपोर्ट या सीवीएस रिपोर्ट ऑलरेडी जब सीजीएफएनएस के पास होती है तो आपका वीजा स्क्रीन आने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपका सब कुछ जो है वो कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो इमिग्रेशन के टाइम पे चाहिए होती है वो, और उसके बाद आपका जो एनक्लेक्स एग्जाम आपने पास किया होता है उसको वेरीफाई कराने की जरूरत होती है, तो आपका रिपोर्ट बहुत जल्दी से जनरेट हो जाता है वीजा स्क्रीन का। तो इसके लिए मैं यहीं तक इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके बाद जब हम वीजा स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो तब मैं इंक्लूड करूंगी कि वीजा स्क्रीन क्या होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जब हम सीएस रिपोर्ट नहीं करते या कोई ऐसा बोर्ड चूज करते हैं जहां सीएस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो तब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देनी होती है, राइट? फिर हम बात करते हैं सीजीएफएनएस के डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी जो रिटेंशन की होती है उस पर क्या होता है। तो देखें, आप कोई भी सर्विस अगर सीजीएफएनएस से लेते हैं तो बेसिकली हम सीएस रिपोर्ट की बात करते हैं। जब आपका सीएस रिपोर्ट वो रिलीज कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 4 साल के लिए विदाउट एनी कॉस्ट सीजीएफएनएस के पास सेफ रहता है। फॉर इंस्टेंस, अगर वो 4 साल अगर आपको उसको उससे ज्यादा रिटेन कराना है, आपको पता है आप 4 साल के अरसे में नहीं पहुंच पाएंगे या आपने पास नहीं किया है और आपको दोबारा जरूरत पड़ सकती है, तो अक्सर औकात आप वेट कीजिए। अक्सर सीजीएफएनएस की प्रमोशन आती रहती है कि $30 या $35 में आप रिटेंशन करवा सकते हैं, तो आप वो पे करके और उसको 2 साल के लिए मजीद रिटेन करवा सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे आज आपका सीएस रिपोर्ट रेडी हुआ, आज है 2023 फरवरी, तो अब आप ये देखें कि 2027 फरवरी तक आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे ऑटोमेटिकली सेव रहेंगे। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आपको दोबारा की जरूरत हो जाए तो आप ऐसी प्रमोशंस को अवेल किया करें, क्योंकि ये बहुत कम और मुनासिब रेट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स रिटेन हो जाते हैं आइंदा फ्यूचर के लिए भी, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी इनकी डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन पॉलिसी। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन रिलीज फॉर्म की। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर औकात हम खुद से अपने डॉक्यूमेंट्स या सीजीएफएनएस की रिपोर्ट्स को चूज नहीं करते, हम बिहाफ हमारी एजेंसी हमारे बिहाफ पे जो है सीजीएफएनएस के जो है वो सर्विसेज को चूज कर रही होती है। तो ऐसे में वो एप्लीकेंट्स को बोलती है कि ये एक फॉर्म है थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन रिलीज इन्फॉर्मेशन का, तो आप उसको साइन करें। या समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग खुद से कंफर्टेबल नहीं होते सीजीएफएनएस में, समटाइम्स कुछ क्वेरीज आ जाती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स उसको फॉलो अप करें या फिर जो है एजेंसी उसको फॉलो अप करे, तो फिर हमें ये वाला फॉर्म बाय मेल और कोरियर भेजना होता है सीजीएफएनएस को। ईमेल नहीं करना है और ना ही कॉन्टेक्ट अस के थ्रू उसको जो है वो आपने अपलोड करना है पोर्टल में, डायरेक्ट कॉरियर करना है। तो इन केस अगर आपकी एजेंसी आपके बिहाफ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है तो वो इस बेसिस पे ले सकती है कि एप्लीकेंट इज अग्रीड टू गिव टू अलाउ द थर्ड पार्टी टू गेट द इंफॉर्मेशन और ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीजीएफएनएस। ऑलराइट, तो ये थी आज की हमारी वीडियो और मैं होप करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन
वाली रही होगी और आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो आपके जहनों में होगी वो क्लियर आउट हो गई होगी। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर आपको सी जी एफ एन एस से रिलेटेड कोई भी जो है वो क्वेरीज है तो आप नीचे बिलो कमेंट्स में हमें लिख सकते हो। सकता है मैं कोई बात बताना भूल गई हूँ और आपके जहन में रही हो और मैंने इंक्लूड ना की हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर आफ्टर आई विल रीड योर कॉमेंट्स। और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी ये वाली वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं वीकली एक वीडियो लेकर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आपकी जो जो क्वेरीज मुझे उस वीक में रिसीव हुई है वो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हद तक आपको जो है वो फरहम कर सकूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आया करूँ। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। आज की मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करूँगी, एंड करूँगी और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।